वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये पांचवी बैठक। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में तकनीक को बताया बेहद अहम। कोरोना को हराने के लिए रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में अगुआ योद्धाओं को प्रधानमंत्री ने किया सलाम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के संचालन में सहयोग करने को कहा। गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में चिकित्सा कर्मियों की सुगम आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। भारतीय रेलवे ने मंगलवार से चुनिंदा यात्री ट्रेनों को शुरू करने का किया ऐलान। IRCTC वेबसाइट के जरिए आज शाम 4 बजे से होगी बुकिंग शुरू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे प्रतिदिन 300 श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है वंदे भारत मिशन। ब्रिटेन, कुवैत, फिलीपींस और सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 44,029 पर पहुंची। 20,916 मरीज ठीक हुए जबकि 2,206 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 2,82,000 लोगों की मौत। संक्रमण का मामला 41 लाख से ऊपर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के सचिवों की उच्च स्तरीय समिति बनाने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी। नमस्कार, DD न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये पांचवी बैठक होगी। पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी ने विभिन्न अवसरों पर COVID-19 चुनौती से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी मुलाकात 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ये उनकी पहली बैठक होगी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों को बिना किसी अड़चन के उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि वे फंसे हुए प्रवासी कामगारों को सड़क और रेल पटरियों पर न चलने के लिए कहें। गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी कामगारों को आश्रय, भोजन और पानी उपलब्ध कराने की भी सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने सभी चिकित्सा पेशेवरों, अर्धसैनिक कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस की सुचारू आवागमन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्यों को COVID-19 और गैर COVID-19 के आपात स्थितियों से निपटने के लिए निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम को खुले रहने की अनुमति देने के लिए भी कहा गया है। और कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का अभियान वंदे भारत मिशन जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और विदेश मंत्रालय और हमारे मिशनों के अथक प्रयासों से मिशन वंदे भारत उड़ान भर रहा है। कल दोहा, लंदन, सिंगापुर, रियाद, कुवैत और कुआलालंपुर से
छह उड़ानों पर 1,239 भारतीयों को वापस भेजा गया और अधिक उड़ानें आ रही हैं। अमेरिका में फंसे 225 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट आज मुंबई पहुंची। सैन फ्रांसिस्को में 225 भारतीयों को लेकर विमान मुंबई हवाई अड्डे पर लैंड किया। लंदन से भी एक विमान आज बेंगलुरु पहुंचा है। विमान में 323 भारतीय सवार थे, इनमें से 250 यात्री बेंगलुरु उतरे, बाकी बचे यात्रियों को दिल्ली लाया जा रहा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फंसे भारतीय भी आज स्वदेश पहुंच गए। मनीला से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट आज मुंबई पहुंची है। रियाद से 139 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। बीती रात कुआलालंपुर से एयर इंडिया का एक विमान कोची हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान में दो बच्चे सहित कुल 177 भारतीय सवार थे। इससे पहले रात 9:30 बजे कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर भी एयर इंडिया की फ्लाइट चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। चार बच्चों सहित कुल 167 भारतीय इस विमान से चेन्नई पहुंचे हैं। और कोरोना संकट काल में दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम वंदे भारत मिशन के जरिए हो रहा है। और लंदन से 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज सुबह बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु पहुंचे सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता आयशा खानम। वंदे भारत मिशन के जरिए भारत वापस लौट रहे भारतीयों की जो संख्या है अब वो बढ़ती जा रही है। और बेंगलोर में आज 250 लोग यूके से यहाँ पर विशेष विमान के जरिए बेंगलोर पहुँचे। और ये 250 लोग कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही इनका विमान बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन के जो प्रोसीजर है उसे समझा दिया गया था, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन बेहद ज़रूरी है, कंपलसरी है। लोगों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही वो किसी से मिल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, और उसके बाद ही वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही इन लोगों का विमान बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निकला तो सबसे पहले उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई, और सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक सिम कार्ड को एक्टिवेट करें। अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट किया और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन ऐप, जो कर्नाटका सरकार क्वारंटाइन ऐप को कंपलसरी बनाया है, क्वारंटाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया, क्योंकि जब तक ये लोग क्वारंटाइन में रहेंगे तब तक वो इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और हर रोज़ दो तस्वीरें सरकार को, डिपार्टमेंट को भेजते रहेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए क्वारंटाइन ऐप के जरिए जो GPS द्वारा टैग है उसके ज़रिए हेल्थ ऑफिशियल्स उनकी सेहत पर निगाह बनाए रखेंगे, निगरानी करेंगे। इसके अलावा इन तमाम यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा गया, और ये आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए उन्हें अलग अलग जानकारियां मिलती रहेंगी। जाहिर सी बात है अब ये तमाम यात्री जो है 14 दिन की क्वारंटाइन में रहेंगे। कैमरामैन वेंकटेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़ बैंगलोर। और वंदे भारत मिशन के पांचवें दिन आज छह देशों से सैकड़ों यात्रियों को लेकर विमान स्वदेश पहुंच रहा है। यात्रियों को लेकर लंदन से दिल्ली, बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को से मुंबई दो विमान पहले ही स्वदेश पहुंच चुके हैं। अब दिन के 3:30 बजे एक विमान यात्रियों को लेकर ढाका से मुंबई पहुंचेगा, जबकि दुबई से रात 8:10 पर विमान कोची पहुंचेगा। एक अन्य विमान दुबई से हैदराबाद रात के 8:30 पर पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत कुआलालंपुर से यात्रियों को लेकर रात 9:40 पर चेन्नई हवाई अड्डे पर विमान उतरेगा, जबकि बहरीन से यात्रियों को लेकर आ रहा है एक विमान कोझिकोड रात के 11:20 पर उतरेगा। तो वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची के लिए रवाना हुआ, जिसमें 24 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन है। और COVID-19 के संक्रमण के कारण ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग भारत में फंस गए हैं आज वो ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के जरिए ब्रिटेन जाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे।
I came here on March 10th. I just came for 10 days. I got stuck here. I got two kids back in the UK. One is 3-year-old and one is 4-year-old. I just got stuck here. My return date was 21st of March, but it's locked down on 20th, so I couldn't do anything. And then I emailed everywhere to the MP in the UK as well, and they helped me as well to get back to my kids. They're missing me a lot. और कोरोना संकट के बीच यूएई के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए भारत ने 88 नर्सेज का पहला जत्था दुबई भेज दिया है। आईसीयू में काम करने का अनुभव रखने वाली ये नर्सेज पहले यहां 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगी और उसके बाद विभिन्न अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक इनकी तैनाती की जाएगी। और भारतीय रेल कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन 12 मई से शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना बनाई है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। रेलवे ने 12 मई से कुछ पैसेंजर ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। शुरुआत में 15 जोड़ी चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC के वेबसाइट पर यह उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी तथा केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनका इस रोग के लक्षण नहीं होंगे। ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण सही समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर जाने वाली रेलगाड़ी 13 मई को दिल्ली से चलेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो। अगर आप COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और COVID-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हो। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें, ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुए नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। और प्रौद्योगिकी को समावेशी विकास के प्रमुख माध्यमों के रूप में देखते हैं। हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद COVID-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के मोर्चे पर जिस प्रकार युद्धरत हैं, उन सभी पर देशवासियों को गर्व है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की बेहद अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा,
दुनिया को कोविड 19 से मुक्त बनाने के प्रयास में तकनीक बहुत मददगार रही है। मैं कोरोना वायरस को हराने के लिए नए तरीकों पर अनुसंधान और नवाचार में आगे रहने वालों को सलाम करता हूं। इस ग्रह को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को सलाम किया जो जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ ले रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तकनीक का लाभ ले रहे हैं। यह इस उपलब्धि को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए परमाणु परीक्षण को याद करते हुए लिखा, 1998 में पोखरण में हुए परीक्षण ने दिखाया कि एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व से क्या हासिल हो सकता है। मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण में मैंने पोखरण, भारत के वैज्ञानिकों और अटल जी के उल्लेखनीय नेतृत्व के बारे में भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने परमाणु परीक्षण को याद करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है। आपको याद होगा, आज से 20 वर्ष पहले 11 मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसे 20 वर्ष हो रहे हैं और ये परीक्षण भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। भारत का परीक्षण सफल रहा और एक तरह से कहें तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हम कह सकते हैं कि वो दिन भारत के इतिहास में उसकी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में अंकित है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिखाया है इनर स्ट्रेंथ, अंतर्मन की शक्ति शांति के लिए आवश्यक है। इसी तरह जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं तो आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे वो महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज जब हम 11 मई 1998 उसका 20वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जो जय विज्ञान का हमें मंत्र दिया है उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करें, अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाएं। देखते ही देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था उसे आगे बढ़ाने का एक नया आनंद, नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अपने बधाई संदेश में कहा कि कोविड 19 महामारी के कारण पैदा हुई संकट की इस घड़ी में तकनीक बेहद अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में जब पूरी दुनिया सामान्य होने की नई परिभाषा के साथ जीना सीख रही है, वैश्विक उद्योग जगत की हस्तियां तकनीक के बेहतर इस्तेमाल को लेकर फिर से विचार कर रही हैं, ताकि इसकी मदद में ऐसे मुश्किल वक्त में लड़ने में हमारी क्षमता बढ़ सके और परेशानी से मजबूती बनकर उभरा जा सके। 22वां टेक्नोलॉजी डे है और कोविड के रहते एक प्रकार से ये शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ है कि अपने अपने दफ्तर के अंदर बैठकर सारे देश के अंदर कई हजार वैज्ञानिक उन्होंने इस टेक्नोलॉजी डे के सेलिब्रेशन में भाग लिया। बड़े बड़े हमारे देश के
वैज्ञानिकों ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके बड़े बड़े अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेडक्वार्टर से डॉक्टर स्वामीनाथन ने भाग लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी परमाणु परीक्षण को याद करते हुए देश के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को प्रौद्योगिकी दिवस की बधाई दी है। जावड़ेकर ने ट्वीट में लिखा, आज परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम अटल जी ने करके दिखाया, दुनिया को उनका पता भी नहीं लगा और कितने प्रतिबंध भारत पर लगाए गए उन सबको अटल जी ने परास्त किया। सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बधाई। और जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली समिति याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर गौर करेगी। कोर्ट ने कहा कि अनुराधा भसीन मामले में कोर्ट ये कह चुका है कि इस तरह के निर्णय लेते समय सरकार स्थापित प्रक्रिया का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना है। और भैया आपको भारत में कोविड 19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 44,029 हो गई है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,206 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस तरह देश भर में अब तक कुल 67,152 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और भारत में कोरोना की जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी तकनीक पर IgG एलिसा टेस्ट किट को विकसित किया है। इससे मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके बारे में ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि ये संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंडीगढ़ और इसके आसपास के राज्यों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग पहले सिर्फ PGI-MER ही कर रहा था, अब कोविड टेस्टिंग की जिम्मेदारी ICMR ने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इमटेक चंडीगढ़ को भी सौंपी है। इमटेक की पूल टेस्टिंग शुरू होने से कम समय लग रहा है और खर्च भी कम हो रहा है। DD News चंडीगढ़ की यह खास पेशकश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी चंडीगढ़ ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसके साथ साथ वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो सके। हमारे बिकॉज यहाँ पे पहले सिर्फ 2 टेस्टिंग सेंटर्स थे चंडीगढ़ में, अब हमारी वजह से ये कैपेसिटी बिल्ड हुआ है थोड़ा सा चंडीगढ़ में, और हम पंजाब और हरियाणा के भी सैंपल्स ले रहे हैं तो उनको भी मदद हो रही है टेस्टिंग करने में, क्योंकि अब हम ना केवल कॉन्टैक्ट्स बट कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स की भी सैंपलिंग कर सकते हैं, तो उससे फायदा है इसके मिटिगेशन में। अगर पिछले 10 दिन का एवरेज लेंगे तो अराउंड हमने 200 पर डे के हिसाब से कर लिया होगा एवरेज। चंडीगढ़ से लगते राज्य जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में भी कोविड टेस्टिंग की प्रयोगशाला लगाने में इमटेक मदद कर रहा है। हरियाणा में सबसे पहले जो सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में है वो उनकी हमने हेल्प की थी। उत्तराखंड में एक CSR के सिस्टर कंसर्न्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, वहाँ पे हम जाके उनकी हेल्प करके आए थे। अब हमारे से पंजाब में ICER है, NIPER है और पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, तो वो उनकी हेल्प करने वाले हैं हम सब। यहाँ पर सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कोविड 19 की टेस्टिंग हो रही है। तो स्वाब सैंपल आते हैं हमारे पास, तो स्वाब सैंपल लेके हम पहले उसको इधर लेबोरेटरी में लाते हैं। लेबोरेटरी में आके हमारा जो स्टूडेंट्स एंड मैन पावर है उधर से उधर RNA आइसोलेट करते हैं, द सेम RNA देन वी गिव फॉर इन RT-PCR रिएक्शन जो एक्चुअली स्टैंडर्ड ऐसे है अभी कोविड टेस्टिंग के लिए।
ये एक विशेष प्रयोगशाला है जहां पर हम हमारे सभी कर्मचारी बायोसेफ्टी का ध्यान रखते हुए बायोसेफ तरीके से कोरोना वायरस की टेस्टिंग में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के वायरस सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कर इमटेक वायरस के बारे में और जानकारी एकत्र कर रहा है, जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। ये चंडीगढ़ रीजन में या ये ट्राई सिटी में सबसे पहला सिक्वेंसर है, तो ये उससे अलावा हमारे पास जो लेटेस्ट है छोटा सिक्वेंसर, वो भी हमारे पास है, जो दोनों को यूज करके हम इस रीजन का जो वायरस है उसका जीनोम कैसा है देखना चाहते हैं। सर्विलेंस में हेल्प करता है कि वायरस में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं जो कि फर्दर एक वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह उन सब चीजों में वो यूज हो सकता है। सो इट्स लाइक गिविंग अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस, जिससे कि हम और फर्दर रिसर्च हो सकती है। इमटेक चंडीगढ़ कोविड 19 की टेस्टिंग के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहा है, ताकि इस वायरस के बारे में और पता चल पाए और इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो पाए। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज चंडीगढ़। और खबर वाराणसी से, लॉकडाउन के कारण वाराणसी में हर तरफ बंद जैसा माहौल है। रेड जोन में होने के कारण हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक सभी बंद है। खुली है तो अंतिम संस्कार के लिए जरूरत का सामान बेचने वाली दुकानें। दाह संस्कार के घाट पर भी संख्या बहुत कम है। देखिए वाराणसी से यह खास रिपोर्ट। हॉस्पिटल बंद है, पोस्टमार्टम हाउस बंद है, लॉकडाउन के कारण लोगों का आना जाना भी बंद है। कफन की दुकान 24 घंटे खुली रहती है और यह हरिश्चंद्र घाट है जहां पे 100 जलाए जाते हैं, यहां भी 24 घंटे, चूंकि काशी है, काशी की अपनी महत्ता है, यहां भी 24 घंटे शव जलाने का काम होता है। हमारे साथ ये बहादुर चौधरी जी हैं जो डोमराज परिवार के हैं और ये लोग हरिश्चंद्र घाट पे ही यही काम देखते हैं, शव जलाने से संबंधित जो होता है। बहादुर जी, ये किस तरह से लॉकडाउन के दिनों में चल रहा है सामान्य दिनों की अपेक्षा? इस समय लॉकडाउन की वजह से डेड बॉडी बहुत कम आ रही है। 5-6 बॉडी, पहले 10-15 बॉडी आ जाती रही, इस समय 5-6 आ जा रही है, 6-7 आ जा रही है, तो बड़ी भाग्य है। सामान्य दिनों में तो 30-35 आ जाती है, लेकिन इस समय 7-8 बॉडी अगर आ जा रही है तो बड़ी भाग्य है। इनका भी यही कहना है कि जो संख्या है उसमें काफी गिरावट आई है और कोरोना या कोविड 19 ने जो लॉकडाउन बनाया है इससे जो सामान्य मौत होती थी उस पर रोक लगा दी है। लोग इतने सतर्क हैं कि जो सामान्य मौत या जो एक्सीडेंट के कारण या जो किसी अपराध के कारण जो मौत होती थी उस पर कोविड 19 के लॉकडाउन के कारण काफ़ी कमी आई है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हरिश्चंद्र घाट, वाराणसी। और वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 41 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के विश्व भर में अब तक कुल 41,01,060 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 2,82,694 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।